आपकी हर जरूरत के लिए फ्यूचर रेडी विश्व स्तरीय विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स जैसे एमआई, डाइकन, जनरल, एलजी, हिटाची के स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, चिमनी, जूसर मिक्सर, वॉशिंग मशीन के लिए आए फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स कीसरगंज अजमेर। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। प्राणी मात्र मानव मात्र कल्याण हो, सभी देशवासी सुख से शांति से प्रेम से भाईचारे से मोहब्बत से रहे, आपस में तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो। और राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, उनका मकसद यही है। और साथ में जो बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, वो बड़े कारण हैं। तो सब परेशानी से जनता को छुटकारा मिलेगी। ये तो नामांकन भरने का समय नजदीक आ रहा है, आपने साईं बाबा के दर्शन लिए, आगे का सब मार्ग बाबा का दर्शन के जा रहे हैं, तो उसके बावजूद आगे सब बात करने तय कर लेंगे। कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया। मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कई सारे नेता इस वक्त कांग्रेस तोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरह से गोवा में कई सारे विधायक हैं, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस चले गए, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके सामने की पार्टी को एक साथ जोड़ के। हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, एक बार चुनाव में जो भी लोग खड़े होंगे उन्हें पार्टी डेमोक्रेसी है, तो चुनाव के बाद में हम सब मिलकर काम करेंगे। क्या आप दोनों पदों पे बने रहने वाले हो? बूथ पे, ब्लॉक पे, जिले पे, प्रदेश पे और देश पे। कांग्रेस पहले मजबूत कैसे हो, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता में कमी नहीं है। इस देश के अंदर 6 लाख गांव है, अगर सब गांव में आपको कहेंगे कांग्रेस मिलेगी, एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश के अंदर हर गांव में। अब जो तक बात की है कि डेमोक्रेसी में कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जी जी, अभी जो हालात बने हैं उसमें बाकी हुए हैं, उन्हें हम दिल जीतेंगे लोगों का। और हमें उम्मीद है कि दिल जीत के देश के हित के अंदर कांग्रेस की जो पॉलिसी प्रोग्राम प्रिंसिपल है वो संविधान के अनुकूल है। ये संविधान की धज्जिया उड़ रही है आज, डेमोक्रेसी खतरे में हो गई है, एजेंसियों का इश्यू रहा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जुडिशियल पर दबाव है। तो मैं चाहता हूँ देश को इन सब बातों से छुटकारा मिले, और तो पूरे देशवासी सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोग प्यार से रहे, भाईचारे से रहे जी। और हिंसा का मुकाबला करें। और मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से बार बार मांग करता हूँ जी, आपको चाहिए, आपका बात का वजन है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको चाहिए देश को अपील करें कि शांति सद्भाव प्यार से रहो, आपस के अंदर भाईचारे से रहो, और मैं हिंसा किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये उनके मुंह से निकलना चाहिए जी। क्योंकि आज देश में तनाव है, हर जिले में, हर गाँव में तनाव, आपस में जातियों के बीच हो गया है, धर्म के बीच हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा नामांकन कब भर रहे वाले हो अध्यक्ष पद का? अभी मैं बाबा का आशीर्वाद लिया जाऊंगा, मुख्य मंत्री और अध्यक्ष पद, ये दोनों पदों पर बने रहने वाले होते हैं। ये बिना अनावश्यक बहस छिड़ पड़ी है जी, मीडिया के द्वारा जी, मीडिया द्वारा जी। पहले आ रहा था कि मैं मुख्यमंत्री को छोड़ना नहीं चाहता हूँ जी, जब तक कोई तय नहीं हो कि मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट में खड़ा होना है जी, तब तक कोई क्या बोलेगा। मैं मेरे साइलेंट रहा, मीडिया चला तरह की भाई ये मुख्यमंत्री पद से जाना नहीं चाहते हैं जी, ये जाना चाहते हैं, ये मैंने जरूर काफी भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ और फॉर्म भरने के बाद भी कहूंगा कि मैं कई लोगों की जी पद पर राजस्थान जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जी, जिस गाँव से मैं पैदा हुआ हूँ जी, माँ की सेवा में जिंदगी भर करता जाऊंगा, अंतिम सांस तक करता जाऊंगा, ये कहने में क्या हर्ज है जी। उसका लोग अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, मीडिया वाले के बाद अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। लेकिन आपको मुश्किल क्या लग रही है कि आप नहीं हो गए? आपको मुश्किल, आप बोल रहे हैं अभी तय नहीं हुआ है, आपको मुश्किल क्या लग रही है? डेट तय नहीं हुई, डेट तय करें जा करके जी जी, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, खड़ा होना है तो होना है जी, पार्टी सेवा करनी है। पार्टी ने मुझे पिछले 40 साल 3 बार केंद्रीय मंत्री जी, 3 बार AICC का महामंत्री, 3 बार PCC प्रेसिडेंट और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं क्या, तो मेरे लिए तो जिंदगी में सब कुछ मेरे को सम्मान मिला है, जिम्मेदारी मिली है। अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान मुझे कहे कुछ भी, वो मुझे करना ही है, करना ही चाहिए,
और इसलिए मैंने ये भी कहा अब मेरे लिए पहल पद महत्व तो नहीं रखता है जी। अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे रहूंगी नहीं और राहुल गांधी के साथ में यात्रा में निकल जाऊँ। आह्वान करो पब्लिक को, आइए आप लोग मीटिंग में आइए और देश के हालात समझिए, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम लोग वो मैसेज दें पब्लिक को, वो वक्त आ गया हमारे लिए। पर क्योंकि अभी हालात ऐसे पार्टी के हैं, अगर मैं कोने में जा रहा हूँ छोड़ करके लोग कहेंगे साहब क्योंकि पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है इतने आप छोड़ के जा रहे हो। इतने मैंने कहा मेरा बस चले तो जी, ये मैंने कहा। लेकिन सचिन पायलट जी के लिए कांग्रेस पद की बात आई है, गांधी परिवार के अलावा जब जब नाम किसी का आता है, अगर 1997 की बात करें तो केशव सीताराम और शरद पवार ने भी चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन सोनिया गांधी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब 24 साल बाद 2022 में हम खड़े हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सके? देखिए सोनिया जी ने किसी का रास्ता नहीं दिखाया है, रास्ता कोई दिखाता नहीं है। स्थिति ऐसी बन जाती कई बार जिससे कोई पार्टी में आते हैं कोई पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी एक वटवृक्ष की तरह है, 135 साल पुरानी पार्टी है जिसका त्याग, जिसका बलिदान, जिसकी कुर्बानी देश की दुनिया जानती है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए, ज्ञात अज्ञात कितने लोग शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये हमारा शानदार इतिहास है देश का, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। क्या जी, आपने राहुल गांधी से बात करी है, वो चुनाव लड़ने वाले बात करी? वो उन्होंने कहा भाई मैंने पहले कह चुका हूँ कि गांधी परिवार कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, ये मैं पहले कह चुका हूँ। मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, मैं गई इसलिए था, यात्रा में भाग भी लिया और साथ में मैंने रिक्वेस्ट भी करी, जब तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी है प्रस्ताव पास करिए आपके लिए तो आपको उनकी भावना समझनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं उन सब की भावनाओं का सम्मान करता हूँ जी, जिन्होंने प्रस्ताव पास किया उनकी, बाकी जो आप लोग जो भी मुझे कह रहे हैं जी, मैं सबकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, पर मैंने एक बार निर्णय किया, मैं उस निर्णय में अडिग रहना चाहता हूँ।